गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन सिक्स. और लेसन सिक्स, चैप्टर सिक्स हमारे पास क्या है? लाइंस एंड एंगल्स. लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखिए, हम लाइन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, कुछ एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं जो हमने पहले भी वैसे किया हुआ है. देखिए, लाइन क्या होती है? दो तीन तरह के हमारे पास टर्म्स यूज़ होती हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. क्या क्या टर्म्स यूज़ होती है? लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. अब लाइन, लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन क्या होती है जिसमें एक ऐसी लाइन, मतलब जिसमें दोनों साइड क्या होते हैं? एरो लगे होते हैं. मतलब हम उसको, जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, एक ऐसी लाइन जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोल देते हैं. मतलब हमें लेंथ का नहीं पता, हम इसको इस साइड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम इसको इस साइड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसमें दोनों साइड क्या लगे होते हैं? पॉइंट्स लगे होते हैं, मतलब एंड पॉइंट लगे होते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि हम लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है हमारे पास, वो क्या होती है? डिफाइन होती है. मतलब हमें पता है कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं. लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते. इसके दोनों साइड में क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं. ना हम इसको इस साइड इंक्रीज़ करेंगे, ना हम इसको इस साइड इंक्रीज़ करेंगे. मतलब लाइन सेगमेंट इंक्रीज़ हम कर लेंगे, बट लाइन सेगमेंट की लेंथ जो डिफाइन होती है, जैसे कि हम लिखते हैं ड्रो ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, तो वो लाइन सेगमेंट मतलब जिसकी लेंथ डिफाइन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है रे. रे क्या होता है? जिसमें एक साइड तो एंड पॉइंट लगा होता है और दूसरी साइड क्या लगी होती है? हमारे पास एरो लगा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. इसके बाद हमारे पास बात आती है एंगल्स की. अब एंगल क्या होता है? दो रे जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो रे का जब एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है. टू रे का जब एंड पॉइंट सेम होता है, तो उनके बीच में बनने वाले मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. जैसे ये दो रे हमने बना दी, एक ये वाली रे होगी और एक ये वाली रे होगी. यहाँ पर इनका जो एंड पॉइंट है दोनों का, वो क्या है? सेम है. तो इनके बीच का जो मेजरमेंट होगा हमारे पास, इस मेजरमेंट को ही हम क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे. अब हमारे पास एंगल के क्या होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं. एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट एंगल हमारे पास हो गया एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंगल हो गया? सेकेंड एंगल हमारे पास हो गया राइट एंगल. नेक्स्ट हमारे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल. उसके बाद हमारे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल. फिर हमारे पास होता हो जाता है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ हो गया स्ट्रेट लाइन एंगल. स्ट्रेट लाइन एंगल. और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. तो अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले एक्यूट एंगल, इसके बारे में हमें पता है, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होता है बट लेस देन होते हैं 90 डिग्री से, ऐसे एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. इसके बाद हमारे पास बात आती है राइट एंगल की. राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री. जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे हम राइट एंगल बोल देते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल और 180 डिग्री से छोटा एंगल. तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं. स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का जो एंगल होता है, वो एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है. एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन होगा बट 360 डिग्री से लेस देन होगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. और एक एंगल और हमारे पास क्या आ गया? कंप्लीट एंगल. क्या आ गया नेक्स्ट एंगल हमारे पास? कंप्लीट एंगल. तो कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 डिग्री का. ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं. तो ये थी हमारे पास एंगल्स की बात. इसके बाद हमारे पास आता है, दो तरह के और एंगल्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मतलब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, तो हम उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में. एडजेसेंट एंगल्स के बारे में एंड हमें क्या दिया गया है? एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या दिया गया है? एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो अब देखिए, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं. जब दो एंगल में कॉमन रे होती है, जब दो एंगल्स में क्या होती है, वन रे कॉमन होती है, या वन वर्टेक्स हम कॉमन कह दें, तो उन एंगल्स को हम कैसे एंगल्स बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. जैसे कि मान लीजिए, हमने एक एंगल ये वाला बना दिया, ठीक है, और एक एंगल हमने ये वाला बना दिया. ये हमने क्या बना दिए? टू एंगल्स हमने ड्रॉ कर दिए. ये हमारे पास दो एंगल हो गए. एक एंगल हमारे पास हो गया, मान लीजिए ए ओ बी.
और एक एंगल हमारे पास हो गया बी ओ सी, तो ये दो एंगल्स हमारे पास हो गए। अब इन दोनों एंगल्स में एक वर्टेक्स कॉमन है, मतलब कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, ओ वर्टेक्स। ए ओ बी में भी ओ आ रहा है और बी ओ सी में भी ओ वर्टेक्स आ रहा है, और इसमें एक रे भी कॉमन है, एक रे कॉमन है। ये वो रे कौन सी कॉमन है, ओ बी, ओ बी एक रे जो कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स को ही हम कैसे एंगल्स बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अगर मान लीजिए मैं ये ले लूँ, मैंने ऐसा ले लिया, ये हमने ले लिया ए बी सी और ये हमारे पास हो गया डी। क्या क्या हो गया, ए बी सी एंड नेक्स्ट हमारे पास हो गया डी। तो ऐसे एंगल्स, अब ये दोनों एंगल्स को भी हम कैसे एंगल्स बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, वन रे कॉमन है, वन वर्टेक्स कॉमन है। तो ये वाले एंगल भी दोनों कैसे हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी बी सी, ये दोनों एंगल्स भी कैसे एंगल्स हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हो सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हो सकते हैं। अभी बताया था जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं एंगल, जब कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनता है तो वो एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन एंगल को हम कैसे एंगल बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। या फिर एडजेसेंट एंगल्स, हमने यहाँ पर क्या बात की थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो या फिर ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गए। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो इनको भी हम कैसे एंगल्स बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। मतलब दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो गया तो वो हमेशा क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या फिर दो या दो से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक और एंगल अगर हम ले लें और इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो वट नेक्स्ट हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही थी। अब ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे, ये भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे। और अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करें तो ये भी एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट में दो कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे कि एक एंगल हमारे पास ये बना और एक एंगल ये बना, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स को ही हम कैसे एंगल्स बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे एंगल वन मान लिया, मान लीजिए इसको टू ले लिया, यहाँ पर हमने थ्री ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फोर। तो एंगल वन टू ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल थ्री एंड फोर ये दोनों एंगल्स भी कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1। 6.1 एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले हमारे पास बात आती है थ्योरम्स की। हमारे पास जब भी, अब हम ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 6th, 7th and 8th, इन सब में हम क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। 6 चैप्टर में हम क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम्स क्या होती हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब जिसका प्रूफ होता है, हम जिस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं वो क्या बन जाती है, थ्योरम बन जाती है। मतलब जिसके प्रूफ की हमें ज़रूरत है वो हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरम्स होती हैं। तो थ्योरम 6.1 फर्स्ट जो थ्योरम हमारी बुक में दी गई है इस एक्सरसाइज में, वो क्या दी गई है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। मतलब इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दो लाइन्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी डी, हमने ये दो लाइन्स मान ली कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा और एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास हमने जब हम थ्योरम्स के क्वेश्चन करेंगे तो हम गिवन लिखेंगे, वहाँ पर टू प्रूव लिखेंगे। गिवन जो चीज़ दी हुई है एज इट इज़ आपको मिलेगी, टू प्रूव जो चीज़ आपको प्रूव करनी है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर गिवन देखिए हमारे पास क्या था, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो मतलब ए बी एंड सी डी दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पर। तो ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, हमें प्रूव क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है और एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और अभी हमने किया जो स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स का अभी हमने किया था कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर हम उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। जिनका सम 180 डिग्री होता है या लीनियर पेयर पर, एक लीनियर लाइन पर लाई करते हैं। लीनियर का मतलब आपको फोर्थ चैप्टर में बताया गया था, लीनियर क्या इक्वेशन क्या होते हैं, जिसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो मतलब जो एक लाइन पर बनते हैं, तो जो एक लाइन पर एंगल बनेंगे उनको हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। जब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो हमारे पास अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है हमारी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम एंगल 1 प्लस 3 या एंगल 4 प्लस 2 इनका सम 180 डिग्री के इक्वल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया एंगल
क्यों, बिकॉज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल वन और एंगल थ्री का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेकेंड हमने क्या लिया, अब देखिए ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, साथ ही साथ ये सी ओ डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें तो दिया गया ना इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ही ज्यादा, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है तो देखिए हमने ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो हमने वन और थ्री को, वन और थ्री का सम 180 डिग्री ले लिया। अगर सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम टू प्लस थ्री का सम भी 180 डिग्री ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया 2 प्लस 3 का सम भी 180 डिग्री हो गया। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करके देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी दी गई है, 180 डिग्री दी गई है, और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या दी गई है, 180 डिग्री, मतलब दोनों चीज़ें 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो जब भी कोई दो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर दोनों क्या है, 180 डिग्री के इक्वल हैं, अगर ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, मतलब राइट हैंड साइड तो इक्वल थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने और इक्वल कर दिया, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री। अब हमने देखा इधर भी एंगल थ्री है इक्वल के, और उधर भी एंगल थ्री है, दोनों में साइन सेम है, अगर ये थ्री इधर जाता तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते, या हम डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब हमें प्रूव यही करना था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल वन को एंगल टू के इक्वल करना था और एंगल थ्री को एंगल फोर से के इक्वल करना था। अगर हमने एंगल वन को एंगल टू के इक्वल कर दिया तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, सिमिलरली हम एंगल थ्री को एंगल फोर के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो सकता है। एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम हमारे पास कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। सिमिलर क्यों, बिकॉज ए सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, अब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम भी 180 डिग्री हो सकता है। तो हम यहाँ पर एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम भी 180 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम भी 180 डिग्री हो गया, एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम भी 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, मतलब एंगल टू प्लस एंगल थ्री को हम इक्वल करेंगे एंगल टू प्लस एंगल फोर के, तो वहाँ से एंगल टू कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल टू थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। तो इसका मतलब एंगल थ्री भी किसके इक्वल हो गया, एंगल फोर के इक्वल हो गया। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमने एक थिंग को इक्वल कर दिया तो सिमिलरली हम सेकंड थिंग को भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.1, जिसमें हमें क्या दिया गया था, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने किया एंगल लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, एंगल के बारे में, फिर एंगल के कुछ हमने टाइप्स देखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिर हमने किया एडजेसेंट एंगल्स, जब जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, जब एक वर्टेक्स कॉमन होता है और एक रे भी उनमें कॉमन होती है दो एंगल्स में, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स बनते हैं अपोजिट, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।